ओ भाई भाई धीरे बहुत धीरे बहुत धीरे, यहाँ पे लेफ्ट साइड में वो है। ओ भाई कितना डेंजरस है यार, भाई आगे थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे अपे अपे अपे। ओ बच गया भाई, मैं मेरे को लगा मैं गया। Hey everyone, welcome back to the channel. My name is Vukender Bainiwal और आप देख रहे हैं लाइव ऑफ बैनीवाल। सो आज का भी हमारा एक ब्लॉग ट्रैवल ब्लॉग होएगा। सो आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सो आज एक्चुअली मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बाकी आपको टाइटल देख के पता लग जाएगा बिकॉज क्योंकि अभी मुझे थोड़ी देर के अंदर मुझे भी पता चल जाएगा। तो आज की ट्रिप बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, सो वीडियो को आप एंड तक देखना। आज हम टोटल 6 से 7 लोग हैं, आज की टीम थोड़ी सॉलिड वाली टीम है, सो आज काफ़ी मज़ा आने वाले। सो अभी टाइम हुआ है सुबह के 9:20 और आप देख सकते हैं सभी लोग ऑफिस जा रहे हैं, तो सड़क पे कितनी भीड़ है। और भैया भैया क्या कर रहे हो, ये पता नहीं कैसे चल रहे हैं। कैसे हो भाई? आप सुनाओ। बस आपकी कृपा है। तो कैसे हैं आप? तो कैसे हैं आप रुके नहीं भाई, हमारा मोमेंटम खत्म हो। भाई मैंने आपको कुछ बोला था कि आप अपना कैमरा लेके आओगे। कब बोला? रात को मैसेज किया था व्हाट्सएप में, रात को 2 बजे मैसेज कर रखा आपको, खोल के देखो व्हाट्सएप। यार मैं कहाँ देखता हूँ यार, सुबह उठते ही मेरे को ये ध्यान में। तो आपको व्हाट्सएप कोई आपने असिस्टेंट रखा हुआ है क्या? Good morning world, it's a brand new day. भाई एम्बुलेंस वाले मड़ी सी साइड दे दे मेरे यार, आगे जाना था, यहाँ तो परेशान कर रखा था। Another ride, another day. तो आज की राइड हमारी बहुत जबरदस्त है, बहुत ही सुहाना मौसम है और ये दोनों साइकिल पे यहाँ पे लड़ रहे हैं मेरे आगे। और ये हमारे शेरपा भाई MTB शिमला चैंपियन, ये कभी नॉर्मल तरीके से साइकिल नहीं चलाते, ये या तो साइकिल का एक टायर उठा के चलाते हैं, ये हमेशा एक टायर पे साइकिल चलाते हैं। ये देखो अभी शुरू हो गए पीछे। सो हम लोग पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन पॉइंट पे, तलाई मसोबरा। ब्रेकफास्ट टाइम, ये हमारा प्राण था, खाइए। ठंड पा सबसे पहले हैंड वॉश करना जरूरी है, उसके बाद पराठा खाना भी जरूरी है। थैंक यू अंकल। ये हमारे अंकल ने हमारे लिए पराठे बनाए हैं, है ना अंकल? अंकल इतने गुस्से में क्यों रखे हैं सुबह से? ना गुस्से में क्यों, हमने उससे भैया गुस्से में बात। वेदर देख रहे हो, आज का वेदर बहुत कूल है, मतलब इस वेदर के अंदर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट यहाँ पे बैठ के मज़ा ही आ जाएगा। तो आज का ब्रेकफास्ट हमारा यहीं ख़त्म होता है। और ये हमारे फोटोग्राफर, ये फोटोग्राफर को हमने स्पेशल कर्नाटका से इंपोर्ट कराया है और ये जल्दी एक्सपोर्ट होने वाला है। धीरज भाई ये कौन है?
सो अभी टाइम आ गया मसोबरा तलाई को गुड बाय कहने का। तो अभी हम जा रहे हैं किसी दूसरी लोकेशन पे, उम्मीद करते हैं वो इससे भी अच्छी होगी। तो चलिए चलते हैं। इस टाइप के टर्न बहुत खतरनाक होते हैं, वो जाके पता नहीं चलता कोई भी व्हीकल आ जाता है। साइकिल पार्क और पानी डैम हो, इतना ठंडा तो फ्रिज में मिलता है जितना हमें यहाँ पहाड़ों में मिल रहा है। आप वो कर लो टायर का। ये अब हम जा रहे हैं डाउनहिल की ओर। सो अभी हमारी 5 से 6 किलोमीटर की डाउनहिल, अभी आएगा मजा। डुडू क्या बोलती पब्लिक। और यहाँ मैं गिर भी सकता हूँ यार, सबसे पहला रिस्क तो मेरा यही है। तो हम चलेंगे बहुत ही धीरे धीरे बिकॉज मेरे राइट हैंड में बहुत ज़्यादा पेन है, तो यू कांट टेक रिस्क यार। और सच बताओ ना, मेरी जो साइकिल के पैडल है वहाँ से पैर बहुत जल्दी स्लिप होता है, वो भी एक रीज़न है। देख रहे हो, मैं सोच रहा था थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर लेता हूँ और इतने में ही दोबारा हैंडल पकड़ना मुश्किल हो जाता है। यार जब भी आप डाउनहिल उतरते हैं ना, तो आपको हैंडल और ब्रेक पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है। This is the right, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना दिख रहा है और कितना नहीं। मड ओ नहीं यार, ये नहीं एक्सपेक्ट किया था। जहाँ हमने 5 मिनट का ब्रेक लिया वो लोकेशन बहुत ही प्यारी है, मतलब यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ, मतलब क्या जबरदस्त लोकेशन है यार। बहुत प्यारी लोकेशन है यार, मतलब कितनी शांति है यहाँ पे, रात को कैंपिंग भी कर सकते हैं, पर थोड़ा सा जंगली जानवर का खतरा है। सो एक्चुअली वैसे हम लोग नेक्स्ट वीक एक कैंपिंग का प्लान कर रहे हैं, सो उसकी भी वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेगी। सो अभी साइकिल को हमने यहाँ पेड़ के ऊपर टांग दिया, छोटी सी जगह के ऊपर, और ऐसे लटका दिए साइकिल। और ये साइड में एक दलदल है यहाँ पे, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है।
तो ये जगह को भी बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। सो अभी टाइम हो गया है अराउंड 2 बज गए हैं। सो अभी लगता है शाम को हम 5-6 बजे के अराउंड घर पहुँचने वाले हैं। अभी हमें और भी डाउन हिल जाना है, सो बहुत मज़ा आने वाला है। और ये देखो ये भाई साहब इतनी बकवास कर देना, मतलब इनसे कम कोई बकवास ही नहीं करता यहाँ पे। अपनी मंजिल की ओर, अपने टारगेट की ओर, डेस्टिनेशन की ओर। ओ लेट्स गो वन डीपर डीपर। धीरज भाई की साइकिल की ब्रेक बहुत कम है, तो धीरज भाई को बहुत धीरे से चलना है। बट अपनी साइकिल की ब्रेक तो फुल है, बट अपन वैसे धीरे चलेंगे। अपने पास एक्सपीरियंस की थोड़ी सी कमी है। थोड़ा सा चलते ही ट्रेन आ जाता है यार। भाई आगे वेट करो। आगे कंसेंट्रेट करो। वो भाई लेफ्ट साइड में कितना खतरनाक है। क्या हुआ करण भाई? मुझे लगा पहाड़ से नीचे को जंप करना है। आराम से धीरज भाई थोड़ा। ओ भाई भाई धीरज बहुत धीरे यहाँ पे लेफ्ट साइड में वो है। ओ भाई कितना डेंजरस है यार। भाई यार बहुत डेंजरस है यार। भाई आके थोड़ा डांस है यहाँ पे। अपे अपे अपे। ओ बच गया भाई, मेरे को लगा मैं गया। ओ ठीक है, अभी नॉर्मल है, आराम से। भाई क्या कर रहे हो? यहाँ पे थोड़ा आराम से। मेरे राइट हैंड साइड बहुत पेन होना शुरू हो गया यार। मेरा पहले एक्सीडेंट हुआ था और वो पेन अभी तक नहीं है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है यार।
क्या हुआ यार मेरे वो टायर भी चल गया भाई ये मत बोलना मैं गिर गया यार अबे यार नहीं क्या हुआ यार मतलब मेरे साथ समझ ही नहीं आया कैसे गिरा मैं यही नहीं समझ आया। हाँ बस वो स्किट हो गया उसी के चक्कर में तो जिस बात का डर था वही हो गया मैं गिर गया। चलो 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 बस मेरे लेफ्ट हैंड में जो चोट लगी थी वहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो गया तो यार अपने आप को गिरने का फिक्स होता है कि अपने को तो गिरना ही है। देख रहे हो बिल्कुल एंड टाइम पे लास्ट में गिरा हूँ मैं मतलब पूरी राइड सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई थी बट लास्ट में जब भी जाते हैं उतना काम हो जाता है। यार पता है मैन रोड उनके हैं तो मेरे राइट हैंड साइड में ना बहुत ज़्यादा मसल पेन हो रहा है और वही मेरा रीजन था गिरने का पीछे वाला ब्रेक बहुत ज़्यादा जोर से दब गया था मेरे से जिसकी वजह से मेरी साइकिल का पीछे वाला टायर किट हो गया था। दैट्स द ओनली रीजन गिरने का मेरा हो तो मेरे दोनों हाथों में चोट लगी हुई है ओ, क्या व्यू है यार। अपने घर वाले भी देखेंगे और उनको मालूम चल जाएगा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया तो फिर यार साइकिल के लिए फिर से गालियां पड़ने वाली है सह लेंगे थोड़ा सा। तो अपने ये हाथ पे मेरे पहले लास्ट एक्सीडेंट में चोट लगी थी बस वहाँ पे थोड़ा और दोबारा हो गई यार और घुटना भी गया थोड़ा मतलब दोनों और ये वाले हाथ में मेरे यहाँ पे अंदर बहुत ज़्यादा मसल पेन है यार बस उसी की वजह से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं पे हमें एक वाटरफॉल मिला है तो अभी हम यहाँ पे नहाने वाले हैं। और ये भैया क्या बात है ये छोटा सा वाटरफॉल है तो अभी हम उतर रहे हैं पानी में भाई ले जाओ ना साइकिल पहले साइकिल को नहलाएंगे फिर हम खुद नहाएंगे। तो अभी करण की साइकिल नहा रही है फिर हमारी साइकिल तो ठंड के मारे हालत खराब हो गई है। हाँ हाँ पकड़ रहा हूँ वो भाई सीरियसली ये बहुत ज़्यादा फन है यहाँ मतलब आज की ट्रिप बहुत ज़बरदस्त है बस मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता। तो अभी शिमला की तरफ वापस बढ़ रहे हैं अराउंड शाम के 4:30 हो चुके हैं शाम के 6 बजे तक घर पहुँच जाएंगे। सो अभी मैं डायरेक्ट आपको मिलता हूँ सीधे घर जाके बिकॉज हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता है और रिकॉर्ड करने का मूड भी नहीं है और कैमरे की बैटरी भी बहुत ज़्यादा कम रह गई और देख रहे हो कपड़ों की हालत सो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है यार सीधे मिलते हैं घर पहुँच के। फाइनली हम लोग घर पहुँच गए और पीछे का मौसम देखो कैसा हो गया मैंने अपनी साइकिल को बाहर छोड़ दी क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही है तो मैं क्या साइकिल साफ़ हो जाएगी वैसे तो हमने रास्ते में भी साफ़ कर ली थी बट अभी थोड़ी और हो जाएगी। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है आपको क्या करना है। सो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। सो बाय बाय टेक केयर थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।